ऑल राइट तो हम हैं CCNP NRC में आ गए राइट अभी हम आ चुके हैं CCNP NRC में जो कि हमारा तीसरा स्टेप है और इस पेपर के बाद हम जो है CCNP राउटिंग स्विचिंग सर्टिफाइड माने जाएंगे राइट। इफ यू काउंटर ए टेक्निकल इश्यू क्या हुआ भाई पेज ओपन हो पेज ओपन ही नहीं हो रहा। ये CCNP NRC के लेक्चर नंबर 1 में है हम ठीक है। इसका पेपर कोड है 300410 410 300410 CCNP NRC और इसको भी हम सेम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने अभी तक किया था CCNA और CCNP जो अभी तक हमने किया है इसको के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम टॉपिक के हिसाब से ताकि आप मिसगाइड ना हो और एक एक चीज आपकी कवर हो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक काम जरूर बताऊंगा क्योंकि जो CCNP NRC है ये रिलेटेड है एडवांस राउटिंग और सर्विसेज से राइट। तो क्योंकि ये रिलेटेड है राउटिंग से तो हम क्या करेंगे हम पहले इसके बेसिक में चले जाएंगे डीप में जाएंगे CCNA लेवल से क्योंकि जो भी चीज करो वो डीप से करो ताकि चीजें आगे समझ में आए राइट। अब इसने जो शुरू करा अगर मैं पहले ही अगर मैं दिखाऊं Layer 3 टेक्नोलॉजीज अब इसने डायरेक्ट ट्रबल शूटिंग से शुरू कर दिया दिख रही है। अब जिस बंदे को EIGRP डीप से नहीं पता है वो उसके ट्रबल शूटिंग में कैसे जाएगा राइट। तो डोंट वरी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो तो इंशाल्लाह ये जितनी भी चीजें आने वाली है सारी की सारी चीजें जो है खास तौर से राउटिंग ये हम CCNA लेवल से शुरू करेंगे ठीक है। और उसके बाद में कहीं जा करके मैं यहाँ मतलब एक महीना तक तो समझ लो मैं आपको इसके जो प्री रिक्विजिट है वही पढ़ाने वाला हूँ उसके बाद ये शुरू होगा मतलब कम से कम हमें ये वीकेंड का बैच जो है हमारा 3 महीना ले लेगा इसके लिए ठीक है जो कि काफी लंबा हो जाएगा मेरे लिए लेकिन कोई बात नहीं जो मेरे स्टूडेंट के लिए बेटर हो वो करूंगा इंशाल्लाह मैं ठीक है। ये 2.5 से 3 महीना ले सकता है हमारा क्योंकि सिर्फ इसका प्री रिक्विजिट पढ़ाने के लिए मुझे ये पूरा मंथ चला जाएगा। अभी हम लोग 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं मतलब 10 नवंबर तक तो इसका प्री रिक्विजिट चलेगा सिर्फ सोचिए कितना डीप से हम पढ़ने वाले हैं समझ रहे हो। पहले मैं आपको CCNA लेवल का राउटिंग पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको CCNP लेवल का राउटिंग पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके ट्रबल शूटिंग में जाएंगे समझ रहे हो आप। तो मतलब ये हो गया सिर्फ ये कवर करने के लिए 1 महीना चले जाएगा हमें समझ रहे हो 1 से 1.5 महीना तो सिर्फ ये कवर करने में चला जाएगा और जो बाकी पार्ट है उसके लिए 1 से 1.5 महीना मतलब 2.5 से 3 महीना पकड़ के चलिए ठीक है। अगर आपको डीप से पढ़ना है अच्छे से पढ़ाई करना है तो मैं जल्दी खत्म करने में मेरे ही फायदा है राइट। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा हम एकदम डीप से जाएंगे हमें कोई घाई नहीं है मेरी प्रायोरिटी आपको समझ में और आप ये एग्जाम बिना डम्स के क्रैक कर सको जिस तरह से हमारे रविंदर भाई ने किए थे कांग्रेस रविंदर टू यू ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले मैं आपको CCNA लेवल मतलब एकदम बेस से लेके जाने वाला हूँ कि राउटिंग क्या है एंड ऑल सारी चीजें उसके बाद कहीं हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ट्रबल शूटिंग बता सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगी समझ रहे हो वो मजा नहीं आएगी तो क्या मतलब है मजा आनी चाहिए पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए ठीक है। और पढ़ने में इंटरेस्ट कब आएगा जब चीज हमने बेसिक से की होगी ठीक है। तो चलिए मैं आपका बेस तैयार करूं फाउंडेशन शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि राउटिंग क्या है ये सब चीजें क्या लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर सारी चीजें ठीक है। तो हम दूसरे के जैसा नहीं करेंगे हम जो है उसका बेस तैयार करेंगे पूरा क्योंकि हमारा टारगेट CCI है। चलिए शुरू करते हैं
ओके नाउ ऑल राइट। अरे ये तो शुरू से आ गया यार। अरे धवल इसको बीच में रन करना है तो क्या आता है वो हमारा, मुझे की आती है बीच से रन करने के लिए, फंक्शन समथिंग कुछ आता है। यहां से अगर रन करना होता है ना कुछ आता है यहां से। यार मैं बहुत दिन हो गया पीपीटी यूज करे हुए। ठीक है ऐसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। राउटिंग, तो राउटिंग क्या है समझते हैं। राउटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ अ राउटर इज कॉल्ड राउटिंग, राइट। राउटर की मदद से आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, राउटर के मदद से आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो अलग अलग नेटवर्क में, उस प्रोसेस को राउटिंग कहते हैं, राइट। अब राउटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, राउटिंग में हम पढ़ेंगे राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल एक जैसा ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सभी नेटवर्क को लर्न करते हैं, उनको पहुंचने के लिए सभी पॉसिबल पाथ को लर्न करते हैं, और उसमें से जो बेस्ट पाथ होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और वो बेस्ट पाथ राउटर के राउटिंग टेबल में आता है, और राउटर उसी बेस्ट पाथ से पैकेट को सेंड एंड रिसीव करता है, राइट। क्या यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। सो राउटिंग का मतलब है दो अलग अलग नेटवर्क में बात कराना राउटर की मदद से, उसे राउटिंग कहते हैं, और सेम नेटवर्क में बात कराना स्विच के मदद से, उसे स्विचिंग कहते हैं, राइट। अब राउटिंग में हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में सीखेंगे, और जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सभी नेटवर्क को लर्न करते हैं, उनको जाने के लिए सभी पॉसिबल पाथ को लर्न करते हैं, उसमें से जो बेस्ट पाथ होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट, और वो बेस्ट पाथ राउटर के राउटिंग टेबल में आती है, राउटर उसी बेस्ट पाथ से पैकेट को सेंड एंड रिसीव करता है। अब दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है राउटेड और एक होता है राउटिंग। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीसीएनपी को एक तरफ साइड में रख के आपका बेस तैयार कर रहा हूं, समझ रहे हो। जिस आदमी का बेस स्ट्रांग होगा, याद रखना, वही आदमी एक्सपर्ट बनेगा। एक प्लेयर के बारे में मैंने पढ़ा था, वो कोई भी चीज में एक्सपर्ट हो जाता था, तो उसका पूछे कि कैसे, तो उसने बोला कि मैं किसी भी लाइन में जब चेंज करता हूँ ना तो उसकी बेसिक से पढ़ता हूँ चीजें, इसीलिए वो हर लाइन में टॉप करता था वो आदमी, ठीक है। यस, शिफ्ट F5। चलो अभी तो ये आ गया है, देखते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके रखना फिर भी। तो दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटेड एंड राउटिंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, दबा लिया इसका। यस, तो राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, धवल का तो पूरा रिवीजन हो रहा होगा पूरा। धवल ने जब सीसीए ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था उस टाइम ये पढ़ाया था मैंने, याद है। यस यस, लेकिन ये ग्रुप में रहना चाहिए क्योंकि रविंदर के पास नहीं है, रविंदर ने न्यू सीसीएनए से शुरू किया है, और न्यू सीसीएनए में क्या है ना, उसने इसको इतना डीप में जाने के लिए नहीं कहा, इसीलिए अभी वालों के लिए जो राउटिंग है ना वो एनआरसी में आकर के शुरू होता है। यस, नाउ राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होता है, राउटेड प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स होता है जो खुद से रूट लर्न नहीं कर पाता, वो दूसरे से कहता है कि भाई आप मुझे रूट लर्न करके दो। जैसे कि आईपी एक तरह का राउटेड प्रोटोकॉल है, वो खुद से रूट लर्न नहीं कर पाता, ठीक है। यही है राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो राउटिंग प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो खुद से रूट लर्न करता है।
जैसे कि रिप, आईजीआरपी, रिप, ये सब जो चीजें होती है ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब उसमें भी दो तरह के टाइप्स होते हैं, आईजीपी और ईजीपी। अब ये आईजीपी क्या होता है और ये ईजीपी क्या होता है? आईजीपी का मतलब है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये आपके कंपनी के अंदर के नेटवर्क की रूट को लर्न करता है, समझ रहे हो? आईजीपी जो होता है ये आपके कंपनी के अंदर की नेटवर्क की रूट को लर्न करेगा, ठीक है? जैसे कि ये आपकी एक कंपनी है और आपके कंपनी के अंदर मल्टीपल नेटवर्क है, राइट? ऐसा कनेक्टेड, अंदर ही अंदर कनेक्टिविटी है ये। तो जो आईजीपी होगा वो आपके कंपनी के अंदर ही काम करेगा और कंपनी के अंदर जितने भी नेटवर्क है सिर्फ और सिर्फ उनकी ही रूट को लर्न करेगा, समझ रहे हो? अब यही ये आपकी कंपनी, अभी नेक्स्ट मेरी कंपनी ओपन हो गई, ये मेरी कंपनी है। अब किसी रीजन की वजह से हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे मेरा आईजीपी चल रहा है जो मेरे कंपनी की रूट को लर्न कर रहा है। अब जब दो कंपनी एक दूसरे से जब कनेक्ट होती है तो बहुत ही फ्लो कंट्रोल की जरूरत होती है और यहाँ पे ईजीपी यूज होता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये वो होता है जो दो अलग अलग कंपनीज के बीच में काम करता है और वो एक ही है सिर्फ, वो है बीजीपी जो इंटरनेट पे चल रहा है। क्योंकि इंटरनेट पे एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है, उनके बीच में कनेक्टिविटी बीजीपी करता है। इसके भी हम बहुत डीप में जाने वाले हैं, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे सब समझेगा, ठीक है? तो आईजीपी का मतलब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, मतलब वो प्रोटोकॉल जो सिर्फ कंपनी के अंदर ही काम करेगा और कंपनी के अंदर की ही नेटवर्क की रूट को लर्न करेगा। और ईजीपी का मतलब है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, मतलब वो प्रोटोकॉल जो कंपनी के बाहर के नेटवर्क की रूट को लर्न करके लाकर हमें देगा, समझ में आ रहा है? ऑल राइट, स्क्रीनशॉट लिया था डबल इसका, ऑल राइट। तो ये भी इसका थ्योरी का है, ये ले लीजिए। तो मैंने पूरा बताया कि कौन सी चीज है, क्या है एंड ऑल। मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि इतना बेसिक से मैं जाऊं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ताकि अपने स्टूडेंट में कोई फॉल्ट नहीं निकलना चाहिए, कहीं से भी पकड़ लो उसे आप। ये इसका चार्ट है। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, आईजीपी और ईजीपी। जो आईजीपी होते हैं वो कंपनी के अंदर की रूट को लर्न करते हैं और जो ईजीपी होते हैं ये कंपनी के बाहर के नेटवर्क की रूट को लर्न करते हैं, ठीक है? कंपनी के अंदर की नेटवर्क की रूट लर्न करने वाले कौन से है? रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस। ये वो प्रोटोकॉल्स है जो कंपनी के अंदर काम करते हैं और कंपनी के अंदर की ही नेटवर्क की रूट को लर्न करते हैं। और जो बीजीपी है वो प्रोटोकॉल है जो दो कंपनी के बीच में काम करता है। क्लियर हो गया? यस, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपके जो सीसीएनपी एनआरसी का जो सिलेबस है वो सीधा ट्रबल शूटिंग से शुरू हुआ है, ठीक है? लेकिन ट्रबल शूटिंग से डायरेक्ट जाऊंगा तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, सीसीएनए में इसने बोला डीप मत पढ़ाओ, सीसीएनपी एनकोर में भी इसने किसी चीज का डेप्थ नहीं दिया है, और सीसीएनपी एनआरसी में आने के बाद ये बोलता है ट्रबल शूट करो। कैसे करेंगे भाई, बताओ कैसे करेंगे आप? तो कोई भी ईमानदार ट्रेनर अगर होगा ना, वो एक तरफ अपना ड्यूटी रख के आपको पहला बताएगा उसका बेसिक। कोई चीज आपको आती नहीं है, आप उसको ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो? उसको ट्रबल शूट करने के लिए उसको कॉन्फिगर करना आना पड़ेगा, कॉन्फिगर करने आने के बाद उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रबल शूटिंग करेंगे तो एक झटके में कर लोगे आप, ठीक है? वही, यस यस,
है डीएमवीपीएन है इसमें, अगर मैं दिखाऊँ डीएमवीपीएन, ये वीपीएन टेक्नोलॉजीज में थी, ये थी जीआरई वगैरह डीएमवीपीएन। ठीक है, बेफिक्र रहिए, दवाई जो जो आपको था वो सब कुछ है, प्लस ट्रबल शूटिंग भी है। मैं बोला था ना आपको कि ट्रबल शूटिंग भी आपका कवर होगा, राउटिंग भी कवर होगा आपका। ठीक है, और जो भी करेंगे एज पर इसको सिलेबस करेंगे, और उसकी प्री रिक्विजिट हो तो मैं करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोटोकॉल है इसमें से दो प्रोटोकॉल है जो क्लास फुल है, वो है रिप वर्जन 1 और आईजीआरपी। बाकी जितने भी प्रोटोकॉल है वो सब क्लासलेस। अब ये क्लासफुल क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है, ये हम अभी समझेंगे। और सिर्फ जितने भी प्रोटोकॉल है सब डिस्टेंस वेक्टर है, ओएसपीएफ और आईएसआईएस को छोड़ के, क्योंकि ये लिंक स्टेट है, और ये आईजीआरपी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है। अब ये क्लासफुल क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर क्या है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर क्या है, लिंक स्टेट क्या है, ये सब हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, आई थिंक रविंदर आपने जब मुझे ज्वाइन किया था तो आप न्यू सीसीएनए से ज्वाइन किए थे, राइट? तो ये सब चीजें आपको नहीं होगी, राइट? ये जो अभी है ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सारी चीजें। यस, इसीलिए जो इसीलिए ना जिसने मेरे पास से न्यू वाला सीसीएनए किया हुआ है, क्योंकि देखो उसके सिलेबस के हिसाब से उसने बोला थोड़ा बहुत पढ़ाई है, वहां डीप नहीं जा सकते क्योंकि वो चीज और भी टॉपिक है वहां पे। अब यहाँ पे डीप जा रहा हूँ क्योंकि वो राउटिंग इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है ये क्या नहीं है। सबसे पहला क्लासफुल और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में हम समझते हैं, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहता हूँ। ये मुझे ये अनफॉर्चुनेटली हटाना पड़ेगा। वो कौन सी की आपने बोली थी, अभी बोलिए। कंट्रोल रविंदर, कौन सी की बोले थे? कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एस। नहीं हो रहा होता, हाँ, स्लाइड ये, यस ये यहाँ पे, हाँ फ्रॉम करंट, ये ओके, ये फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट। अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट है ना, देखो शिफ्ट F5 है। ओके, शिफ्ट F5, यस। मैं वही बोला, मैं तो आता था भूल गया था, कोई बात नहीं है। यस, तो कहाँ गया इसका राउटिंग। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि क्लासफुल एंड क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। ठीक है रविंदर, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज क्लासफुल एंड व्हाट इज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो अब मेरे पास दो राउटर है, R1 है और R2 है। R1 से 10 और 20 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और R2 से 20 और 30 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या यहाँ तक क्लियर है रविंदर आपको? धवल को ये सब आता है, उसके लिए रिवीजन हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये न्यू चीज है। यस, और हाँ या ना आपको बोलना है। ठीक है, धवल ने मेरे पास से ही जूना सीसीएनए और जूना सीसीएनपी भी कर रखा था उसने। यस यस, ठीक है। तो क्लासफुल एंड क्लासलेस में क्या होता है, तो अगर आप क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो तो जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो अपडेट तो भेजेगा लेकिन बिना मास्क के भेजेगा, समझ रहे हो? जैसे कि इस डायग्राम में टोटल तीन नेटवर्क है, 10 का, 20 का और 30 का। अब इस R2 से सिर्फ दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो
20 और 30। अब जब R1 उसे बोलेगा कि भाई मेरे पास 10 नेटवर्क है, तभी ही R2 को पता चलेगा कि हाँ उसके पास 10 नेटवर्क है, राइट। तो कोई हाथ निकल के तो जाएगा नहीं, ये लोग अपडेट सेंड कर दे एक दूसरे को। तो अगर आपने क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है, तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो अपडेट तो भेजेगा लेकिन बिना मास्क के भेजेगा। जैसे कि यहाँ पे भेजा इसने 10.0.0.1/8 का नेटवर्क चल रहा था। अब ये जब भेजेगा तो ये इस तरह से भेजेगा 10.0.0.1, येलो ये नेटवर्क एड्रेस भेज दिया, लाइक दिस 10.0.0.0 करके भेज दिया, और इस तरह से इसको इसने भेज दिया। अब जब रिसीविंग राउटर को सिर्फ 10.0.0.8 मिलेगा, उसके साथ सबनेट मास्क नहीं मिलेगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने सीखा है IPv4 में, खास तौर से IPv4 में जो सबनेट मास्क होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर क्योंकि सबनेट मास्क से पता चलता है कितनी बिट नेटवर्क में है, कितनी होस्ट में है, तो इतने से इतना आईपी बनेगा, उतने से उतना आईपी बनेगा, राइट। तो ये तो उसने भेजा ही नहीं, तो होगा क्या? तो होगा ये कि जो रिसीविंग राउटर होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये किस क्लास का आईपी है, क्योंकि भाई मास्क तो लगाना पड़ेगा, बिना मास्क के कैसे चलेगा। तो ये देखेगा कि ये कौन से क्लास का आईपी है। तो किसी भी आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट देख के पता चलता है कि वो कौन से क्लास का आईपी है। तो इसने देखा भाई 10 आता है ए क्लास में, और ए क्लास का डिफॉल्ट मास्क है /8। तो इस तरह से 10.0.0.0/8 करके ये सेव कर देगा। समझ में आया? इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेटिकली समराइज एट क्लासफुल बाउंड्री। मतलब जिस क्लास का आईपी है उसके डिफॉल्ट मास्क लगा करके उसको सेव कर लेगा। क्लियर हो गया? यस। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये तो चलो 10 का नेटवर्क चल रहा था, डिफॉल्ट मास्क लगाया था, तो समझ में आ गया। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम में क्या होता है कि अक्सर जो है ना सबनेटिंग की होती है, और सबनेटिंग जब करते हैं तो अलग अलग मास्क होता है, राइट। तो ले लीजिए 8 के जगह यहाँ पे 10 चल रहा था, 10 चल रहा था। अब 10 चल रहा है और आपने क्लासफुल चला रखा है, और इसके वजह से उसने मास्क नहीं भेजा। अब इसने देखा कि मास्क नहीं भेजा, कौन से क्लास का है, भी ए क्लास का है, ए क्लास का डिफॉल्ट मास्क /8 लगा करके सेव कर दिया। लेकिन यहाँ तो 10 चल रहा है और यहाँ सेव क्या किया, 8। तो ये गड़बड़ हो गई, राइट। इसीलिए जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसे हम VLSM या डिसकंटीजियस नेटवर्क पर नहीं चलाते, क्योंकि अगर वहां चलाएंगे तो वो सब ऑप्टिमल पाथ क्रिएट कर देगा। क्लियर हो गया? ऑल राइट। तो इसीलिए तो ये तो हो गया क्लासफुल। अब अगर क्लासलेस चलाएंगे तो क्या होगा? तो क्लासलेस चलाएंगे तो कोई गड़बड़ होगी ही नहीं, पहली बात, क्योंकि अगर आप क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो तो वो भी अपडेट भेजेगा, लेकिन वो मास्क के साथ अपडेट भेजेगा। तो अगर /8 चल रहा है तो /8 का मास्क भेजेगा, /10 चल रहा है तो /10 का मास्क भेजेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इस तरह से अपडेट भेजेगा 10.0.0.0 और ये मास्क है, तो ये आराम से लगा के सेव कर लेगा। और इसको आप कहीं पर भी चलाओ, इसको आप VLSM पर चलाओ, FLSM पर चलाओ, कंटीजियस डिसकंटीजियस, ये भी बताऊंगा कि VLSM, FLSM, कंटीजियस डिसकंटीजियस ये सब क्या होता है, ये भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा। बोला हूँ डीप से पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह डीप से पढ़ाऊंगा। ठीक है।
सब ऑप्टिमल पाथ, यस। सब ऑप्टिमल पाथ का मतलब होता है एक जगह जाने के दो रास्ते, ठीक है। यहाँ पे स्लैश 10 था, स्लैश 8 लगा के रख, तो मतलब 10 पे जाने के लिए स्लैश 8 वाला भी रूट है और स्लैश 10 वाला भी रूट है, तो दो रास्ते हो गए। तो एक रास्ते पे भेजेगा तो रिप्लाई आएगा, एक रास्ते पे भेजेगा तो रिप्लाई नहीं आएगा। इसे कहते हैं सब ऑप्टिमल पाथ, किसी भी नेटवर्क पे जाने के दो रास्ते। बहुत अच्छे, ऐसी आपको कुछ भी लगे आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना, बस मेरे स्टूडेंट है आप लोग, एक्सपर्ट बनना है इंशाल्लाह, मैं सबको बनना है, मेरे साथ साथ आप भी ग्रो करो, ठीक है। यस, तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो अपडेट में सबनेट मास्क नहीं भेजता। तो सामने वाला राउटर को अगर सबनेट मास्क नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, तो वो देखेगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ये उस क्लास का डिफॉल्ट मास्क लगा करके उसको सेव कर देगा, और टेक्निकल टर्म्स में उसे कहते हैं ऑटोमेटिकली समराइज एट क्लासफुल बाउंड्री। क्लियर हो गया। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो अपडेट तो भेजेगा लेकिन विथ सबनेट मास्क भेजेगा। तो विथ सबनेट मास्क भेजेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर 8 चलेगा तो 8 का मास्क भेजेगा, 10 चलेगा तो 10 का मास्क भेजेगा। क्लियर हो गया। फिर हमने सीखा कि क्योंकि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट में सबनेट मास्क नहीं भेजता, इसीलिए वो VLSM और डिसकंटीजियस नेटवर्क पे सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करने का मतलब कॉन्फिगर तो हो जाएगा लेकिन गड़बड़ कर देगा, ठीक है। पता चला 8 चल रहा है उसने 10 सेव किया है, 10 चल रहा है उसने 8 सेव कर दिया, तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। क्या यहां तक क्लियर है? ऑल राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये VLSM कंटीजियस डिसकंटीजियस FLSM क्या होता है। चलिए इसे समझते हैं। ये सब है ना बेसिक बेसिक पॉइंट है, समझ रहे हो, ये आपको आना चाहिए। हर कोई जो CCNP NRC करना चाहता है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग भी सुनो, जो पढ़ रहे हैं आप भी सुनिए, सब लोग सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि पहला लेक्चर मैं ओपन रखता हूँ, पब्लिक रखता हूँ, इसीलिए ताकि लोग देखें कि हम किस तरह की पढ़ाई कराते हैं, समझ रहे हो। आके देखिए कैसा पढ़ाई करते। एक महीना तो मैं सिर्फ बेस तैयार करने में दे रहा हूँ, जो उसने बोला भी नहीं है पढ़ाने, समझ रहे हो। उसके बाद कहीं जाकर हम कुछ चीज शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ जिस आदमी का बेस स्ट्रांग है उसे कोई नहीं हरा सकता, उसको हर चीज इजी भी लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। VLSM एंड डिसकंटीजियस नेटवर्क क्या है चलिए समझते हैं। ये क्लासफुल एंड क्लासलेस का, इसका स्क्रीनशॉट लिया था धवल आपने, ले लीजिए, क्योंकि सब रविंदर के लिए सारे न्यू पॉइंट थे। यस, ये थियरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, अभी हम समझते हैं कि कंटीजियस नेटवर्क क्या होता है, डिसकंटीजियस क्या होता है, FLSM क्या होता है और VLSM क्या होता है। चलिए समझते हैं। शिफ्ट F5 आ गया मुझे भी। शिफ्ट F5 मुझे ऑलरेडी आता था ये, लेकिन मैं भूल गया था। चलिए इसे समझते हैं भाई, ये सब कुछ आना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से रविंदर, ये नेटवर्क देखिए, अगर आप ऊपर का नेटवर्क देखोगे तो यहाँ पे एक नेटवर्क है जो कंटिग्यूटी चल रही है, 10.0.0 10.0, दिखा 10.0.20.0, राइट।
10.0.30.0 and 10.0.40.0, राइट। तो कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जहां पे किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क की कंटिग्युटी चल रही है उसे हम कहते हैं कंटिजियस नेटवर्क। क्या आपको कंटिजियस नेटवर्क क्लियर हो गया? मतलब कोई भी नेटवर्क कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10.10 का चल रहा है, यहाँ 10.20, 10.30, 10.40, तो है अलग अलग नेटवर्क लेकिन उस नेटवर्क की रेंज की कंटिग्युटी चल रही है, राइट। लेकिन अगर यही मैं नीचे दिखाऊ चीजें, यहां पर है, किधर गया मेरा कर्सर, कहां भाई, इधर है, यहां पे 10.10 चल रहा है लेकिन यहां 20 आ गया इसकी, यहां पे 30 आ गया, राइट। फिर वापस से ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक। तो इसे कहते हैं डिसकंटीजियस नेटवर्क। डिसकंटीजियस नेटवर्क, कोई एक नेटवर्क चल रहा था, बीच में कोई नेटवर्क आया, उसकी कंटिग्युटी को तोड़ दिया और उसके बाद में वो वापस से कंटिन्यू हुआ, इसको कहते हैं डिसकंटीजियस नेटवर्क। अगर यहां पे 40 आ जाता तो ये डिसकंटीजियस नेटवर्क नहीं होता। डिसकंटीजियस का मतलब कोई एक नेटवर्क चल रहा था, बीच में कोई एक नेटवर्क आके उसको तोड़ दिया, उसके बाद वो वापस आगे से कंटिन्यू हो गया। क्लियर हो गया? वो नॉर्मल नेटवर्क होता है, एक FLSM का नेटवर्क होता, वो VLSM का नेटवर्क हो जाता, बस उसे ना कंटिजियस कहते ना डिसकंटिजियस कहते। क्लियर हो गया यहां तक? डिसकंटिजियस के लिए शर्त है कोई एक नेटवर्क चल रहा था, वो टूटा और वो फिर कनेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे 10.10 चल रहा था, 10.20 चल रहा था, ये बीच में इधर आ गया 20, फिर आ गया 30 और उसके बाद ये वापस से कंटिन्यू हो रहा है, दिख रहा है ये? तो ये हो गया डिसकंटिजियस नेटवर्क। ओके, यस। नाउ FLSM और VLSM क्या होता है, ये समझते, कंटिजियस और डिसकंटिजियस तो हम समझ गए, राइट। FLSM stands for fixed length subnet mask. Fixed length subnet mask का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जहां पर सबका सबनेट मास्क सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे 24, तो यहाँ भी 24, तो यहाँ भी 24, तो यहाँ भी 24। क्लियर हो गया? इसे क्या कहते हैं? FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। क्लियर हो गया? VLSM का मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मतलब कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जहां पे मास्क वेरिएबल है, कहीं 8, कहीं 16, कहीं 24, कहीं 20, समझ रहे हो? जैसे यहां पे 24 है, यहां पे 8 है, यहां पे 16 है, यहाँ पे 30 है, समझ रहे हो? मतलब मास्क वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एनीथिंग विच कैन बी चेंज। तो VLSM का मतलब है कि एक ऐसा नेटवर्क जहां पे सबका सबनेट मास्क अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आपको कंटीजियस, डिसकंटीजियस, FLSM, VLSM ये समझा? यही है, बस सिखाने वाले पे होता है रविंदर जी, कि कौन और किस तरह से आपको आसान बना रहा है, क्योंकि दिखने में कितना, यस, कि दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बोले ये क्या हो गया भाई। यस, अभी आप खुद बताइए, जो इंसान ने नया CCNA करके आया है, ठीक है, अब वो आप खुद मुझे बताइए, सिस्को के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या वो डायरेक्ट ये शुरू कर सकता है? जरा भी नहीं कर सकता है, वो डर जाएगा, वो बोलेगा ये क्या चीज आ गई मेरे सामने,
समझे, वो डुओ बोलेगा यार रहने दे, मतलब ये मेरे बस का ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना, सही जगह से सीखना बहुत जरूरी होता है। अभी कोई नॉर्मली जगह से अगर हम करते, वो बोलता ठीक है देखो ये हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, वो अज्यूम करता कि आपको इसके पहले की चीज आती होगी, समझ रहे हो। लेकिन इसके पहले की चीज में भी तो उसने डीप जाने नहीं बोला है, तो डीप हम जाए कब? तो डीप जाने के लिए ये ट्रेनर को इनिशिएट लेना पड़ता है मुझे, कि ठीक है भाई चल एक महीना छोड़ दे, सोच नहीं कमाया तूने, एक महीना से बंदों पे मेहनत कर, उनका कॉन्सेप्ट तैयार कर और उसके बाद आगे बढ़, ताकि जो बेस स्ट्रांग होगा ना, सब हर चीजें आसान लगेगी हमें। ठीक है, तो आपको क्लासलेस समझ गया, क्लासफुल समझ गया, कंटीजियस डिसकंटीजियस FLSM VLSM क्लियर हो गया, राइट? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है और लिंक स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है और लिंक स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहला आते हैं हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे। DV स्टैंड फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ये एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो पीरियोडिक होती है और वो हर 30 सेकेंड में भेजी जाती है, और अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल भेजा जाता है। अब ये क्या है, चलिए इसे समझते हैं एक एक चीज राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ये R1 राउटर है और ये इसका राउटिंग टेबल है। R1 राउटर से 10 का और 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्लियर? ठीक, ये R2 राउटर है, इससे 20 और 30 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके राउटिंग टेबल में भी C करके दिखा रहा है, C20 एंड C30, क्लियर हो गया यहां तक भी? नाउ अब जब R1 इसको अपना राउटिंग टेबल भेजेगा कि भाई मेरे पास में 10 नेटवर्क का रूट है, तभी ही उसको पता चलेगा ना कि भाई हाँ इसके पास 10 नेटवर्क का रूट है, राइट? तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ठीक है अभी तो ये फर्स्ट टाइम था, तो ये R1 क्या करेगा, R1 अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठाएगा और R2 को भेज देगा एज एन अपडेट। ठीक है, R2 के पास जब ये राउटिंग टेबल जाएगा तो R2 बोलेगा कि भाई ठीक है मेरे पास तो 20 का रूट ऑलरेडी था, लेकिन मेरे पास 10 का रूट नहीं है, तो आपने मुझे 10 का रूट दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो R2 ने इसका रूट ले लिया, राइट? अब अगली बारी आती है R2 की। अब R2 क्या करेगा, R2 भी अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल जो है वो उठाएगा और R1 को भेज देगा एज एन अपडेट। R1 बोलेगा भाई देख मेरे पास 10 और 20 का रूट तो है, 30 का रूट मेरे पास नहीं है, तो आपने मुझे 30 का रूट दे दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, राइट? अब क्या हो गया, R1 के पास भी पूरी रूट आ गई और R2 के पास भी पूरी रूट आ गई, राइट? लेकिन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में भले ही आपके पास पूरी रूट है और मेरे पास पूरी रूट है, फिर भी हर 30 सेकेंड में मैं आपको अपना पूरा राउटिंग टेबल सेंड करूंगा एज एन अपडेट और आप मुझे अपना पूरा राउटिंग टेबल सेंड करोगे एज एन अपडेट। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ये एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पर अपडेट जो भेजी जाती है वो पीरियोडिक होती है,
हर 30 सेकंड में भेजी जाती है और अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा करके भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट। ठीक है, तो ये भेज रहा है, इसने इसको भेजा तो इसने 10 नेटवर्क का रूट ले लिया, इसने इसको भेजा तो इसने 30 नेटवर्क का रूट ले लिया। राइट, दोनों के पास पूरी पूरी रूट आ गई है। ओके, नाउ तो दोनों के पास क्या हो गया, पूरी पूरी रूट आ गई। उसके बावजूद भी हर 30 सेकंड में ये अपना पूरा राउटिंग टेबल इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा और अपडेट भेजेगा, अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल भेज देगा। तो यहां तक तो क्लियर है, राइट। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो अपडेट भेजी जाती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, खासतौर से रिप वर्जन 1, ये जो अपडेट भेजता है तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है 255.255.255.255। ये जो 4x255 है ये लेयर 3 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में अपडेट आर ब्रॉडकास्टेड। क्लियर हो गया? और जो भी अपडेट भेजी जाती है वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को ही भेजी जाती है और डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर ही नेबर बनता है। क्लियर हो गया? उसके बाद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो कन्वर्जेंस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। स्लो कन्वर्जेंस का मतलब समझो पहले। स्लो कन्वर्जेंस का मतलब लेट पता चलती है, जो खबर होती है ना वो लेट पता चलती है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे टाइमर सेट है कि जो भी बोलूंगा 30 सेकंड के बाद ही बोलूंगा, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो लेट कैसे पता चलता है, चलिए देखते हैं। अब मेरे पास में 5 राउटर है, R1 R2 3 4 5, राइट। तो ये ले लेते हैं कि अभी अभी R1 राउटर ने R2 को बोला कि भाई मेरा ना 10 नेटवर्क अप है। ठीक है, पूरा राउटिंग टेबल भेजा जिसमें लिखा था कि 10 नेटवर्क अप है ना, बोला ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही भेजा था 1 सेकंड हुआ था बस और R1 का 10 नेटवर्क डाउन हो गया। तो क्या R1 उसको तुरंत बोलेगा कि अरे नहीं नहीं रुको रुको डाउन हो गया 10 नेटवर्क, या वो 29 सेकंड वेट करेगा? 29 सेकंड वेट करेगा क्योंकि उसका टाइमर है 30 सेकंड का, जिसमें से 1 सेकंड हो गए हैं, राइट। ये देखिए, उसके बाद क्या हुआ, अभी अभी R2 ने R3 को अपडेट भेजा और बोला कि भाई सब कुछ अप है और उसमें 10 नेटवर्क है वो भी अप है, राइट। लेकिन जैसे ही R2 ने R3 को अपडेट भेजा, बोला सब कुछ अप है, 10 नेटवर्क भी अप है, उसके ठीक 1 सेकंड के बाद ये अपडेट उसको भेजता है, अरे नहीं नहीं भाई ये राउटिंग टेबल लो मेरा दूसरा, उसमें देखो 10 नेटवर्क डाउन है। तो अब क्या R2 R3 को तुरंत बोलेगा कि अब ये भी 29 सेकंड वेट करेगा? यस, तो मतलब इसने 29 सेकंड वेट किया था भेजने से पहले, अब ये भाई साहब 29 सेकंड वेट कर रहे हैं, राइट। अभी अभी R3 ने R4 को बोला था कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ अप है। जैसे ही इसने इसको बोला 1 सेकंड के बाद R2 से इसको अपडेट आती है कि भाई नहीं 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 उसमें से ना 10 नेटवर्क डाउन हो गया है, अब ये भी 29 सेकंड वेट करेगा। मतलब ये हो गया कि डाउन होकर के 30 30 30 90 सेकंड हो चुके हैं, राइट। 90 सेकंड, 90 सेकंड के बाद इसको पता चलेगा R4 को कि भाई 10 नेटवर्क तो डाउन हो गया है,
इसी को कहते हैं स्लो कन्वर्जेंस। समझ में आया? स्लो कन्वर्जेंस क्लियर हो गया? यस, वही बोल रहा हूं। और ये स्लो कन्वर्जेंस की वजह से यहां पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। टेन नेटवर्क का करंट स्टेटस क्या है? डाउन। इसके लिए टेन नेटवर्क अप है फिलहाल, क्योंकि इसको कोई अपडेट ही नहीं मिली है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्योंकि ये स्लो कन्वर्जेंस है, तो स्लो कन्वर्जेंस की वजह से एक पैच क्रिएट हो जाता है जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जो रॉन्ग इन्फो कैरी कर रहा है, और इस पैच को कहते हैं ब्लैक होल। इस पैच को कहते हैं ब्लैक होल। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्योंकि अपडेट जो है वो पीरियोडिक है, हर 30 सेकंड पे भेजी जाती है, इसी वजह से कन्वर्जेंस बहुत ही स्लो है। स्लो कन्वर्जेंस की वजह से एक पैच क्रिएट होता है जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और उस पैच का नाम है ब्लैक होल। क्लियर हो गया? ऑल राइट, देखिए ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी किया हुआ है, ये इसका थियरी है, तो थियरी बड़े में ले लो। शिफ्ट F5 बोल के करूंगा ताकि याद रहे मुझे। स्क्रीनशॉट लो दवाली इसका। ऑलराइट, इसका ले लीजिए। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से है? RIP version 1 है, RIP version 2 है, और IGRP है। ये वो प्रोटोकॉल है जो डिस्टेंस वेक्टर है, मतलब इनके अंदर ये सब हरकत होती है। R2 में अपडेट मल्टीकास्ट होती है, वो मैं RIP भी कवर करूंगा, डोंट वरी। जबकि RIP तो है भी नहीं सिलेबस में, ना CCNP में ना NA में, लेकिन वो भी कर दूंगा। जब इतना कर लिया तो थोड़ा सा और ही सही भाई, राइट? क्योंकि क्या होता है ना, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते कभी कभी, तब क्या करोगे? भले वो यूज नहीं हो रहा लेकिन वो पूछेगा जरूर। जबरदस्ती का जो चीज नहीं छेड़ रहा उस पर ही हाथ लगाना है, समझ रहे हो? हाँ, तो वो पूछेंगे भाई, उनका वो हक है। वो आपका सैलरी पैकेज कम कैसे कराएंगे? कुछ तो लूप होल चाहिए ना। तो मेरे तरफ से तो मैं सारे लूप होल आपके बचा रहा हूँ। अब उससे और भी कुछ पूछ लिया तो आई डोंट नो, ठीक है? क्योंकि वो उसका माइंड है, उसका स्ट्रेटेजी है, क्या करना चाहता है वो। दूसरा आता है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, ये समस्या है, ये उसका एकदम ही उलट है, उसका एकदम ही उलट है ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। चलिए समझते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और वो कैसे काम करता है, ठीक है? नाउ, तो डिस्टेंस वेक्टर तो हम समझ गए, राइट? अब हम समझने जा रहे हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, वो कैसे काम करता है, और वो किस तरह से डिस्टेंस वेक्टर से अलग है और सुपीरियर है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो देखिए, सेम टोपोलॉजी यहां पर भी, इस बार भी सेम टोपोलॉजी है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहां पे R1 राउटर जब R2 को बोलेगा मेरे पास 10 नेटवर्क है, तभी उसे पता चलेगा, राइट? तो लिंक स्टेट में क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ये जो होगा, ये अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा करके R2 को दे देगा, ठीक है, एज एन अपडेट। और R2 भी क्या करेगा कि अपना पूरा राउटिंग टेबल उठाएगा और R1 को दे देगा एज एन अपडेट, ठीक है? दोनों के पास अब पूरी पूरी रूट आ गई है, राइट? अब डिस्टेंस वेक्टर के जैसा हर 30 सेकंड में ये लोग राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है? ये लोग हर 30 सेकंड में राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करेंगे। अब क्या होगा,
अब ना तो कोई अपडेट आएगी ना ही कोई अपडेट जाएगी, क्योंकि आपके पास भी पूरी रूट है, मेरे पास भी पूरी रूट है, राइट। तो ना कोई अपडेट आएगी, ना कोई अपडेट सेंड होगी, ना कोई अपडेट रिसीव होगी। अब अपडेट तभी ही सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई लिंक अप होगा या डाउन होगा या कोई नया लिंक ऐड होगा, और वो भी ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी। ट्रिगर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा डाउन हुआ, ऐसा विद इन अ सेकेंड सबको अपडेट चली जाएगी, समझ रहे हो। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो ट्रिगर्ड होती है, पीरियोडिक नहीं होती है। मतलब अभी अभी मैंने अपडेट भेजा था, फिर से डाउन हो गया, वापस से भेज दे भाई, क्या हो गया, राइट। और एक समय पे सभी को भेजो ताकि विद इन अ सेकेंड एक चीज डाउन हुई वो सबको पता चलना चाहिए। तो यहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो पीरियोडिक नहीं होती है, यहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो ट्रिगर्ड होती है, ठीक है। और क्योंकि अपडेट ट्रिगर्ड होती है तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन फास्ट होगा, राइट। कन्वर्जन फास्ट का मतलब यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा ये चीज डाउन हुई, ये उसको तुरंत पता चल गई, राइट। तो कन्वर्जन भी फास्ट होगा। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो ट्रिगर्ड है, वो ट्रिगर्ड अपडेट भेजी जाती है, पीरियोडिक नहीं है। अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं भेजेगा, सिर्फ जो अप हुई है या डाउन हुई है उसकी ही अपडेट सेंड होगी, समझ रहे हो। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि जैसा 10 नेटवर्क डाउन हो गया तो ये क्या करेगा, 10 नेटवर्क की रूट को राउटिंग टेबल से निकाल देगा, लाइक दिस। और ये पूरा राउटिंग टेबल उठा करके इसको भेजेगा, फिर ये देखेगा अरे इसके राउटिंग टेबल में तो 10 नेटवर्क है ही नहीं, मतलब 10 नेटवर्क डाउन हो गया, फिर ये भी निकाल देगा, समझ रहे हो। ये कहाँ होता है, डिस्टेंस वेक्टर में। डिस्टेंस वेक्टर में जो भी चीज जाती है पूरा राउटिंग टेबल जाएगा, ठीक है। लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता। लिंक स्टेट में 10 नेटवर्क डाउन हुआ तो सिर्फ एक ट्रिगर अपडेट जाएगी, वो बोलेगी कि भाई साहब 10 नेटवर्क हमारा डाउन हो गया है, बस। और वो भी विद इन अ सेकेंड सबको चली जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो ट्रिगर्ड होती है, अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं भेजा जाता है, अपडेट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को ही भेजी जाती है और डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर ही नेबर बनता है, ठीक है। कन्वर्जेंस यहाँ पे फास्ट है, राइट। और एक एक चीज जो डिस्टेंस वेक्टर में नहीं है वो ये है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ये होता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो राउटर होता है उसको पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है, कौन कहाँ किससे कनेक्टेड है, किसको जाने के कितने रास्ते हैं, कौन से रास्ते से कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, ये हर चीज हर राउटर को मालूम होती है। अब वो कैसे, राइट। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, यही मेरे लिए दुनिया है। इसने बोल दिया 30 नेटवर्क डाउन है तो डाउन है, इसने बोल दिया 30 नेटवर्क अप है तो अप है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इंटरव्यू में ये पूछते हैं, हाँ इंटरव्यू में आपको ऐसा पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट, ये पूछेगा, समझ रहे हो। हाँ तो वहां पे आपको ऐसा बोलना पड़ेगा सर। तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि जो राउटर होता है उसको नेटवर्क की विजिबिलिटी नहीं होती है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर होता है वही उसके लिए दुनिया होता है। उसने बोल दिया अप तो अप, उसने बोल दिया डाउन तो डाउन, उसके बाद वो बहस नहीं करेगा क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं है कौन कहाँ किससे कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो आपका
ये होता है, क्या बोलते हैं, जो आपका लिंक स्टेट होता है उसमें जो राउटर होता है उसके पास पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है कि भाई रविंदर को जाना है तो 100 रास्ते है, धवल को जाना है तो 200 रास्ते है, सोहेल को जाना है तो 500 रास्ते है, और उनको ये तक पता होता है कि कौन से रास्ते से जाएंगे तो कितना बैंडविड्थ लगने वाला है, समझ रहे हो, ये तक उनको पता होता है। तो कल को अगर मुझे रविंदर बोलता है भाई मेरे थ्रू यूएस जाने का रास्ता बंद हो गया, बोलूंगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, यूएस जाने के लिए मेरे पास और 99 रास्ते पड़े हुए, समझ रहे हो, वो तो आप बेस्ट राउट थे तो इसके लिए आपके थ्रू जा रहा था, ठीक है आप डाउन हो गए कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते, मैं कंपेयर कर लूंगा कहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ है वहां से चले जाऊंगा, समझ रहे हो, ये होता है। लेकिन ये आती कहाँ से विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी कहाँ से आती है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर में तो ये विजिबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ कैसे आ गई। तो होता ये है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जब भी राउटर एक दूसरे के साथ अपडेट शेयर करते हैं तो उसके अंदर SPF कॉस्ट इन्फो और SPF ट्री इन्फो शेयर करते हैं। SPF स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, SPF कॉस्ट इन्फो और SPF ट्री इन्फो। SPF ट्री इन्फो जो होती है वो ये बताती है कि आपको अगर किसी को जाना है तो उसको जाने के लिए कितने रास्ते हैं, समझ रहे हो, और SPF कॉस्ट इन्फो ये बताती है कि कौन से रास्ते से कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, समझ। अब जैसे कि मैं हूँ सोहेल, आप अभी आप शिकागो से हो, धवल यूके से है, मैं इंडिया से हूँ, आप कैलिफोर्निया से हो, राइट, सॉरी, तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में मुझसे ना 10 नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं कितने लोगों को जाने के कितने रास्ते है वो जमा करूंगा और कौन से रास्ते से कितना बैंडविड्थ लगता है ये भी जमा करूंगा, और ये जमा करके मैं आपको दे दूंगा, रविंदर आपको दे दूंगा कैलिफोर्निया में। आप क्या करोगे, मेरा इन्फो में अपनी इन्फो ऐड करोगे कि ठीक है अगर सोहेल जैसे ले लेते ये राउटर है, ये मैं हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, ठीक है, तो मैंने अपनी एक प्री इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि मैं किसको जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं और कौन से रास्ते से कितना कॉस्ट है, वो सब मैंने कैलकुलेट कर लिया ये, और ये कैलकुलेट करके मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। अब मेरे इन्फॉर्मेशन में आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, ठीक है, कि ठीक है सोहेल को इसको जाने के लिए 100 रास्ते है सोहेल के पास, तो मैं तो सोहेल के थ्रू जाऊंगा तो मेरे पास 101 रास्ते हो गए इस नेटवर्क को जाने के लिए, 101, राइट, ओके। सोहेल यहाँ पे जाता था 10 कॉस्ट में, मैं सोहेल को जाता हूँ, ये कॉस्ट क्या होता है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को कॉस्ट में मेजर किया जाता है, समझ रहे हो, तो सोहेल जाता है 10 कॉस्ट में, मैं सोहेल को जाता हूँ 3 कॉस्ट में, मतलब मैं इसको 13 कॉस्ट में पहुंचूंगा फिर। तो इस तरह से मेरी इंफॉर्मेशन में आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, ये ऐड करके आप धवल को भेज दोगे, समझ रहे हो, फिर धवल आपकी इंफॉर्मेशन मेरी इंफॉर्मेशन को मिला के अपनी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेगा। तो लिंक स्टेट में क्या होता है कि जब भी राउटर एक दूसरे को अपडेट सेंड करते हैं तो उसके साथ वो कॉस्ट इन्फो और ट्री इन्फो शेयर करते हैं, जिसकी बेसिस पे जो लिंक स्टेट राउटर होता है वो एक टोपोलॉजी टेबल बनाता है। क्या बनाता है, टोपोलॉजी टेबल बनाता है। ये टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल ये वो टेबल होता है जिसमें सभी को जाने के लिए सभी रूट होती है, जैसे कि रविंदर को जाना है तो रविंदर को जाने के लिए टोटल रूट है 100, तो पूरी 100 रूट आ जाएगी, समझ रहे हो। दूसरा है धवल को जाना है
धवल को जाने के लिए 50 राउट है, तो पूरी 50 राउट आ गई। सोहेल को जाना है, सोहेल नहीं, मेरा एक्चुअल नाम सुहेल है, सुहेल को जाना है, तो सुहेल को जाने के लिए 70 राउट्स हैं। तो ये पूरी पूरी राउट थी, ये पूरी आ गई। तो टोपोलॉजी टेबल ये वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है और कौन से रूट से कितनी बैंडविड्थ लग रही है, ये सब होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा राउटिंग टेबल, एक होता है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने के लिए सिर्फ बेस्ट रूट होती है, समझ रहे हो, सिर्फ बेस्ट रूट होती है। जैसे रविंदर को जाने की 100 रूट थी, लेकिन इस 100 रूट में से सबसे अच्छी रूट कौन सी है, तो ले लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ है रूट नंबर 25, तो ये रूट नंबर 25 राउटिंग टेबल में आ जाएगा, समझ रहे हो। धवल को जाने के लिए 50 रूट थी, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, रूट नंबर 17, तो ये आ गई। सोहेल को जाने के लिए 70 रूट थी, सबसे शॉर्टेस्ट थी रूट नंबर 10, तो राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट राउट आती है, समझ रहे हो। और टोपोलॉजी टेबल में पूरी पूरी राउट आती है। तो मैं था ये बता रहा था कि जो लिंक स्टेट राउटर होता है, लिंक स्टेट राउटर, राउटर लिंक स्टेट कब कहलाएगा, जब आप राउटर के ऊपर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे तो वो राउटर लिंक स्टेट राउटर कहलाएगा, समझ रहे हो। तो मैं यहां था कि जो लिंक स्टेट में क्या होता है, लिंक स्टेट में जो राउटर होता है उसको पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है, राइट। और ये विजिबिलिटी कैसे आती है कि जब भी दो लिंक स्टेट राउटर एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं तो अपडेट में कॉस्ट इन्फो ट्री इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जिसकी बेसिस पे हर लिंक स्टेट राउटर एक टोपोलॉजी टेबल बनाता है जो उसको पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी देता है कि कौन कहाँ किससे कनेक्टेड है, किसको जाने के कितने रास्ते हैं, कौन से रास्ते से कितना बैंडविड्थ मिल रहा, सब मालूम है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस यस। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एकदम ही उलट है, ठीक है। और लिंक स्टेट में क्या होता है, लिंक स्टेट में जो अपडेट भेजी जाती है वो मल्टीकास्ट होती है, क्योंकि लिंक स्टेट जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है। ये अभी अभी मैंने बताया कि बैंडविड्थ को मैट्रिक जो है वो कॉस्ट होता है, और टोपोलॉजी टेबल राउटिंग टेबल क्या होते हैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ये इसका थियरी, 1 मिनट तो बड़े में ले लीजिए, थियरी कहाँ गया भाई, ये है थियरी का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पे जो अपडेट भेजी जाती है वो ट्रिगर्ड होती है, अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं भेजा जाता है, अपडेट सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को ही भेजी जाती है, अपडेट मल्टीकास्ट होती है, कन्वर्जेंस फास्ट होता है, राउटर को पूरे नेटवर्क की एंड टू एंड विजिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी दो लिंक स्टेट राउटर एक दूसरे के साथ अपडेट शेयर करते हैं तो अपडेट में कॉस्ट इन्फो और ट्री इन्फो शेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे हर लिंक स्टेट राउटर एक टोपोलॉजी टेबल बनाता है और वो टोपोलॉजी टेबल उसको पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी देता है। क्लियर हो गया? इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं इसके ऑपरेशन में कि ये और कैसे काम करता है। ये तो हमने इसके फीचर पढ़े, ठीक है, ये करता है, अब ये और कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं ये और कैसे काम करता है, इसके और डीप में जाते हैं। जब तक चीजों को डेप्थ नहीं समझोगे ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। ट्रबल शूट करने के लिए चीजों का बेसिक आना बहुत जरूरी है, और वो बेसिक इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इस सीसीएनपी एनआरसी के कोर्स में। तो क्योंकि हाँ, और एक एक चीज, क्योंकि ये वीडियो मैं पब्लिक करूंगा तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो
ये बैच अभी चल रहा है, सीसीएनपी एनआरसी का बैच अभी शुरू हुआ है, राइट, अक्टूबर 10, 2020, और ये बैच वीकेंड का बैच है, सैटरडे संडे को होता है ये, और आज इसका पहला लेक्चर है। ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शाम को 6 बजे से शुरू होता है, 6 से 8 का ये बैच, और सिर्फ सैटरडे संडे होता है ये, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, अभी बैच अभी शुरू हुआ है, वो ज्वाइन कर सकता है। और अगर ये वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है, अगर आप 1 साल 2 साल बाद 6 महीने बाद भी अगर देख रहे हो, तो भी एडमिशन हमारे पास चलते रहते हैं। तो आप इस वीडियो के बेस पे, मैंने नीचे नंबर दिया हूँ, इस नंबर को क्लिक कर सकते हो आप, 9773038607, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो, या ये मेरा ईमेल एड्रेस है suhailkhan786.sk@gmail.com, यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल बैच अभी अभी शुरू हुआ है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, डेमो लेक्चर फ्री है, और यही डेमो लेक्चर समझ लीजिए जो आपने देखा है, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम है लिंक स्टेट ऑपरेशन, ठीक है। लिंक स्टेट ऑपरेशन में हम देखेंगे कि ये और कैसे काम करता है, और क्या करता है, काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास में 4 राउटर है, राउटर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। जैसे ही 2 लिंक स्टेट राउटर अप हो गए, वो एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट एलोज एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। राउटर लिंक स्टेट कब कहलाएगा? राउटर लिंक स्टेट तब कहलाएगा जब आप उस राउटर में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF और ISIS, ये 2 प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अगर आप किसी भी राउटर में ये 2 प्रोटोकॉल चलाते हो, तो वो राउटर लिंक स्टेट राउटर कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 लिंक स्टेट राउटर अप हो गए, एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। हेलो आई एम R1, हेलो आई एम R1, लाइक दिस, एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। और मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ ही होगा, ना कि सभी के साथ, ठीक है। तो जैसे ही 2 लिंक स्टेट राउटर अप हो गए, एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे, और जैसे ही सभी राउटर एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज कर लेंगे, वो एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे और उनकी एंट्री अपने अपने नेबर टेबल में आ जाएगी। जैसे कि ये 4 राउटर थे, जैसे ही ये 4 राउटर स्टार्ट हुए, तो इन चारों ने एक दूसरे को मल्टीकास्ट हेलो भेजना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को मल्टीकास्ट एक्सचेंज करना शुरू किया, तो ये एक दूसरे को पहचानने लग गए, ये एक दूसरे के नेबर बन गए, और इनकी एंट्री अपने अपने नेबर टेबल में आ जाएगी। नेबर टेबल में आएगी जैसे इस तरह से, जैसा ये R2 है, ये बोलेगा कि मेरे 2 नेबर है, R1 है और R3 है। R1 के 2 नेबर हो गए, एक हो गया R2 और एक हो गया R4। R4 के 2 नेबर है R1 और R3, और R3 के 2 नेबर है R2 और R4। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज हो गया, नेबर बन गए, नेबर टेबल में उनकी एंट्री आ गई, राइट। अब इनके बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना शुरू होगा। अब इनके बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना शुरू होगा। टोपोलॉजी टेबल, ये वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है, राइट। तो जब ये सभी राउटर के बीच में एक्सचेंज होगा, मतलब सभी राउटर के पास, ये जिस राउटर के पास भी जाएगा, उसके पास पूरी पूरी रूट आती जाएगी, राइट। तो जब ये सभी राउटर के पास चला जाएगा,
मतलब सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट आ जाएगी, राइट। एक बार से ये सभी राउटर के बीच में एक्सचेंज हो गया तो सभी राउटर फुल स्टेट में आ जाएंगे। फुल स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट है। क्लियर हो गया। अगर कोई एक राउटर भी बच गया है जहां पे अभी तक टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो कोई भी राउटर फुल स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि फुल स्टेट की कंडीशन है क्या है, सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होना चाहिए। तो सभी राउटर, तो सभी राउटर में वो एक तो बच गया, राइट, वो एक के पास तो नहीं गया है, तो कोई भी फुल स्टेट में नहीं आएगा। तो सभी राउटर फुल स्टेट में तभी ही आएंगे जब सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट आ जाएगी। क्लियर हो गया। एक बार सभी राउटर फुल स्टेट में आ गए तो अब तीन चीजें होगी। क्या होगी तीन चीजें? सबसे पहली चीज, इसका स्क्रीनशॉट लिया था आपने, यस। तो एक बार सभी राउटर फुल स्टेट में आ गए तो अब तीन चीजें होगी। सबसे पहली चीज ये होगी कि टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं, अब सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट आ चुकी है, राइट। तो सबसे पहला टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ना तो कोई अपडेट सेंड होगी ना ही कोई अपडेट रिसीव होगी। अब अपडेट तभी ही सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा या कोई नया लिंक ऐड होगा, और वो भी ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज, एक SPF एल्गोरिदम रन होगा जो टोपोलॉजी टेबल में जाएगा, वहां से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा और उस बेस्ट पाथ को राउटर के राउटिंग टेबल में डालेगा। समझ रहे हो? इस तरह से आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है OSPF खासतौर से। क्लियर हो गया यहां तक? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जैसे ही दो लिंक स्टेट राउटर अप हो गए, मतलब स्टार्ट हो गए, वो एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ ही करेंगे, ना कि सभी के साथ। एक बार मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज हो गया तो ये एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे और इनकी एंट्री अपने अपने नेबर टेबल में आ जाएगी। एक बार ये एक दूसरे के नेबर बन गए, इनकी एंट्री अपने अपने नेबर टेबल में आ गई, अब इनके बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना शुरू होगा। टोपोलॉजी टेबल वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है, और राउटिंग टेबल वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की केवल बेस्ट रूट होती है, ठीक है। एक बार सभी राउटर के बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज हो गया तो सभी राउटर फुल स्टेट में आ जाएंगे। फुल स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है। अगर कोई एक राउटर भी बच गया है जहां अभी तक टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो कोई भी फुल स्टेट में नहीं आएगा। सभी राउटर तभी ही फुल स्टेट में आएंगे जब सभी के पास टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज हो जाएगा। एक बार सभी राउटर फुल स्टेट में आ गए तो अब तीन चीजें होगी। पहली चीज, टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है।
दूसरी चीज, अब ना तो कोई अपडेट सेंड होगी ना तो रिसीव होगी। अब अपडेट तभी ही सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा या कोई नया लिंक ऐड होगा, और वो भी ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी। तीसरी चीज, एक SPF एल्गोरिदम रन होगा जो टोपोलॉजी टेबल में जाएगा, वहां से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा और राउटर के राउटिंग टेबल में डालेगा। क्लियर हो गया? OSPF में जो SPF एल्गोरिदम रन होता है उसका नाम है डिजिक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो काम करता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट, यहां पे उसका थियोरी था, ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये सब आपका बेस तैयार कर रहा हूं ट्रबल शूटिंग के लिए, समझ रहे हो? ये ले लीजिए, ये सब इसका बेसिक है, ये आना ही चाहिए, समझ रहे हो? तभी आदमी ट्रबल शूट करेगा। लोगों को लगेगा अरे NRC पढ़ाने की जगह ये कहाँ पढ़ाने लगे, तो भाई ये आएगा तो ही NRC आएगा, समझ रहे हो? हाँ, ये ऐसा ही पढ़ाया जाता है, तो ऐसा ही होना चाहिए, हर किसी को इसी तरह से पढ़ाना चाहिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो नॉलेज आपको जब मिलेगी वो ट्रबल शूट आप तभी ही कर पाओगे। किसी भी चीज को ट्रबल शूट करने का एक ही सॉल्यूशन है, इन डेप्थ नॉलेज। उसका इन डेप्थ नॉलेज लो, आप उसको इजीली ट्रबल शूट कर लोगे, ठीक है। यस, यू आर मोस्ट वेलकम, मेरे हर स्टूडेंट के लिए मोस्ट वेलकम ये चीजें। आइए, आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ये ले लीजिए उसका ऑपरेशन। उसके बाद आता है डिस्टेंस वेक्टर। अब डिस्टेंस वेक्टर का हम समझते हैं, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या खामी है और उस खामी को कैसे पूरा किया जाए और वो कैसे सॉल्व होगा। ये तो सीधा ही शुरू हो गया। वैसे डिस्टेंस वेक्टर हमें वैसे तो नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरे कोई बहुत जूनियर स्लाइड में होगा वो, तो मैं ये ऐसे आपको दिखा देता हूँ। वैसे डिस्टेंस वेक्टर है तो नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। देखो, डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर में ना टाइमर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। उसकी मेन गड़बड़ यही है, टाइमर जो पीरियोडिक अपडेट है ना, उसकी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है उसकी, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। सपोज, थोड़ा रफली दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि ये है नहीं तो इसके लिए। सपोज ये तीन राउटर है, एक, दो और ये है तीन, ठीक है। इस राउटर से कनेक्टेड है 10 नेटवर्क और 20 नेटवर्क, बीच में है 30 नेटवर्क और यहां पर है 40 नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो होगा, मान लीजिए सबके पास पूरी पूरी रूट थी, ठीक है। अब इनका टाइमर था कि भाई पहला ये भेजेगा, फिर ये भेजेगा और उसके बाद ये जो है ये दोनों को अपडेट भेजेगा, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। तो हुआ यूं कि सबके पास पूरी पूरी रूट थी, तो क्या हो गया कि इसका टाइमर आ गया, पहले इसका टाइमर आ गया और इसने क्या कर दिया, इसने अपडेट भेज दिया इसको कि भाई मेरे पास तो सब ठीक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका टाइमर, इसने भी अपडेट भेजा कि भाई मेरा तो सब ठीक चल रहा है,
राइट। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे इसने बोला कि मेरा तो सब ठीक चल रहा है, इसका वाई 40 नेटवर्क है ना डाउन हो गया। अब क्या होता है कि ये लोग क्या होते हैं, ऐसा राउटिंग टेबल बनाते हैं, ऐसा राउटिंग टेबल बनाएगा कि मैं 40 को जीरो हॉप में जाऊंगा, राइट, क्योंकि 40 उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है लाइक दिस। तो प्रॉब्लम क्या होती है डिस्टेंस वेक्टर में कि जब भी कोई नेटवर्क डाउन होता है तो वो उसको अपने राउटिंग टेबल से निकाल देता है। तो ये जो राउटर था R3, इसने जैसे ही अपडेट भेजा, इसका 40 नेटवर्क डाउन हो गया और उसने 40 नेटवर्क को राउटिंग टेबल से निकाल दिया। और अब ये वेट कर रहा है 29 सेकंड कि मेरा टाइमर आएगा तो मैं बोलूंगा, राइट। लेकिन उससे पहले R2 का टाइमर आ गया, राइट, क्योंकि तीसरी बारी इसकी थी। अब R2 को जो रूट मिली होगी 40 नेटवर्क की, वो किसने दिया था, वो R1 ने दिया रहेगा, राइट। हाँ, ये R3 ने दिया रहेगा, राइट। तो R3 ने जब इसको रूट दिया रहेगा कि भाई 40 नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसने बोलेगा ठीक है आपसे कनेक्टेड है ना, मैं आपके थ्रू जाऊंगा, तो मतलब मैं 40 नेटवर्क को एक हॉप में जाऊंगा, राइट। सिमिलरली ये जो R1 राउटर है यहाँ पे, इसके पास भी एक राउटिंग टेबल होगा जिसके अंदर 40 नेटवर्क की कोई रूट होगी, राइट, और वो इसको R2 ने दिया रहेगा। और वो R2 बोलता है कि देख भाई मैं तो उसको एक हॉप में जा रहा हूँ, और तो बोलेगा ठीक है आप उसको एक हॉप में जाते हो और मैं आपको एक हॉप में जाता हूँ, तो मैं दो हॉप में जाऊंगा, राइट। ये अब ये रुका हुआ है कि मैं अभी मेरा टाइमर आएगा तो बोलूंगा मैं, लेकिन इससे पहले कि R3 कुछ बोलता, R2 का टाइमर आ गया, राइट, और R2 ने दोनों को अपडेट भेजा, R2 ने R1 को भी अपडेट भेजा और R3 को भी अपडेट भेज दिया, राइट। तो जब उसने R1 को अपडेट भेजा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि R1 को तो सारी चीजें उसी से मिली थी। लेकिन जब उसने R3 को अपडेट भेजा, तो क्योंकि R3 का 40 नेटवर्क डाउन हो गया था, उसने अपने राउटिंग टेबल से उसको निकाल चुका था और वो वेट कर रहा था कि मैं उनको बोलूंगा, उससे पहले इसने इसको अपना राउटिंग टेबल भेज दिया, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि R2 के राउटिंग टेबल में 40 का भी रूट था जिसमें लिखा था कि मैं R1 राउटर 40 नेटवर्क को एक हॉप में जाता हूं, राइट। तो जब R3 ने उसको अपने राउटिंग टेबल से निकाल चुका है, तो R3 को क्या लगेगा, लगता है कि मैं 40 नेटवर्क मिस कर दिया, तो कोई बात नहीं मैं 40 नेटवर्क की रूट ले लेता हूं, तो ये ले लिया। और तो और, ले तो लिया, अब उसको क्या लग रहा है कि 40 नेटवर्क R2 से कनेक्टेड है। अब R2 उसको बोलता है कि मैं तो एक हॉप में जाऊंगा, ये बोला ठीक है आप एक हॉप में जाओगे तो मैं तो आपके थ्रू जाऊंगा, क्योंकि आपसे मुझे मिला है तो मैं दो हॉप में जाऊंगा, जबकि ये से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दिखा। अब उसके बाद में आता है R1 का टाइमर, इसने भेजा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही R3 ने अपना राउटिंग टेबल भेजा तो जलजला समझ गया, क्योंकि ये दोनों तो होश में ही है ना, इसने होश खो दिया है। अब R3 से जब अपडेट आती है R2 को, तो उसमें लिखा है कि भाई मैं 40 नेटवर्क को दो हॉप में जा रहा हूं, राइट। तो ये बोलेगा भाई इसकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि 40 नेटवर्क की अपडेट तो मुझे R3 से ही मिली थी, R3 ने पहला बोला था कि वो 40 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं एक हॉप में उसको जा रहा था, राइट। अब R3 ही मुझे खुद बोल रहा है कि मैं तो दो हॉप में जा रहा हूं, तो भाई मानना तो पड़ेगी बात, तो ठीक है फिर मैं एक में नहीं जाऊंगा, अब मैं तीन हॉप में जाऊंगा। देख रहे हो गड़बड़, नेटवर्क डाउन है और ये लोग मर रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद बारी आती है R2 की। अब R2 जो है ये अपना राउटिंग टेबल इसको भी देता है और इसको भी देता है,
फिर इसको दे दिया उसने, पहले उसने एक लिखा था, उसने दो किया, अभी ने तीन लिखा है, तो अभी इसको चार कर देगा, दो को हटा के चार कर दिया, और दो को हटा के चार किया, और प्लस इसको जब इसने भेजा उसमें लिखा है तीन, तो इसने भी चार कर दिया, मतलब नेटवर्क डाउन है और नंबर ऑफ हॉप बढ़ते जा रहे हैं। ये सिचुएशन को कहते हैं राउटिंग लूप। तो क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर में जो टाइमर है ना, ये इसकी खराबी है, समझ रहे हो, ये सब गड़बड़ टाइमर की वजह से ही हो रही है। तो इसको कहते हैं राउटिंग लूप। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में राउटिंग लूप होने के ज्यादा चांसेस है, समझ में आ रहा है। राउटिंग लूप का सिम्टम्स क्या है? राउटिंग लूप का सिम्टम्स है कि नंबर ऑफ हॉप जो है वो बढ़ता ही जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? इनफाइनाइट, वो बढ़ता ही जाएगा, जब तक आप नहीं रोकोगे बढ़ता जा रहा है वो। तो ये राउटिंग लूप का सिम्टम्स है, ठीक है। अब इसको रोके कैसे भाई, कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो उसका पहला सॉल्यूशन, डिफाइन अ मैक्सिमम, कि भाई मेरे अगर वो बढ़ता है तो आप उसको बढ़ने क्यों दे रहे हो, उसको रोको ना, एक लिमिट लगाओ, राइट। तो डिस्टेंस वेक्टर में 15 हॉप लिमिट है, 15 हॉप से अगर 16 हॉप हो गया तो उस नेटवर्क को सीधा अनरीचेबल कर देंगे। इसीलिए जो डिस्टेंस वेक्टर है ये ज्यादा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि 15 हॉप इसका मैक्सिमम है, खास तौर से रिप में, रिप सिर्फ 15 हॉप तक ही चलता है, समझ में आया। नेक्स्ट, दूसरा सॉल्यूशन निकाले इसका, स्क्रीनशॉट लो। इसका दूसरा सॉल्यूशन निकाला गया, दूसरा सॉल्यूशन है कि भाई स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन का मतलब, स्प्लिट होराइजन का शॉर्ट में मीनिंग बोलू, टपोरी वर्ड में होता है वो, कि बाप को मत सिखा। बाप को मत सिखाने का मतलब होता है कि कभी भी उस डायरेक्शन में अपडेट मत भेजो जहां से आपको अपडेट आ रही है, ये गड़बड़ हुई इसलिए थी, आपने उसको खुद 40 के बारे में बता दिया। अरे भाई आप उसको 20 के बारे में बताओ, आप उसको 10 के बारे में बताओ, जो रूट जहां से लर्न हो रही है उस डायरेक्शन में कभी भी अपडेट मत भेजो, समझ रहे हो। उसको कहते हैं स्प्लिट होराइजन। तो कभी भी उस डायरेक्शन में अपडेट मत भेजो जहां से आपको अपडेट मिल रही है। तीसरा सॉल्यूशन निकाला गया, रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग का मतलब कि अगर आपका नेटवर्क डाउन होता है तो आप उसकी रूट को राउटिंग टेबल से निकालो मत, उसके जगह उसका जो हॉप है उसको मैक्सिमम कर दो, 255 कर दो, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपको कोई अपडेट भेजता है तो आप वो अपडेट लोगे नहीं, आप वो अपडेट नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास 40 का रूट ऑलरेडी है। लेकिन जब आपका टाइमर आएगा और आप उसको बोलोगे कि मैं 40 नेटवर्क को 255 हॉप में जाता हूं, तो वो इनडायरेक्टली उसको अनरीचेबल कर देगा और उसको जाने की नेक्स्ट बेस्ट पार्ट ढूंढने लगेगा, राइट। और तीसरा सॉल्यूशन है ट्रिगर्ड अपडेट। जैसे डाउन होता है ट्रिगर्ड अपडेट भेज दो, कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो डिस्टेंस वेक्टर के प्रॉब्लम है राउटिंग लूप। डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग लूप होने के चांसेस बहुत होते हैं। राउटिंग लूप होने का सिम्टम्स है, नंबर ऑफ हॉप बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे, इनफाइनाइट। उसके चार सॉल्यूशन है, मैक्सिमम डिफाइन कर दो, 0 से 15 रिचेबल, जैसे ही कोई 16 होता है उसको अनरिचेबल कर दो। स्प्लिट होराइजन मतलब कभी भी उस डायरेक्शन में अपडेट मत भेजो जहां से आपको अपडेट आ रही है। रूट पॉइजनिंग का मतलब कोई भी नेटवर्क अगर डाउन होता है तो उसकी रूट को राउटिंग टेबल से मत निकालो, उसकी जगह उसके हॉप को मैक्सिमम कर दो, ताकि जब कोई आपको अपडेट भेजे तो आप लो नहीं, और आप अगर किसी को अपडेट भेजो तो इनडायरेक्टली उसको अनरीचेबल कर दे। लास्ट है ट्रिगर्ड अपडेट, जैसे ही डाउन होता है सीधा सीधा भेज दो, सभी को अपडेट, कुछ होगा ही नहीं। क्लियर हो गया यहां तक?
अब इसके आगे प्रोटोकॉल आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर में रोकूंगा। तो ये सीसीएनपी एनआरसी का लेक्चर नंबर आपका 1 है, जिसमें मैं डायरेक्ट ट्रबल शूटिंग पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप बेसिक से जाओ, एक एक चीज समझो, और वो समझने के बाद जब ट्रबल शूटिंग पे जब आप आओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता ट्रबल शूट करने से। ठीक है, तो ये सीसीएनपी का एनआरसी का 300-410 का लेक्चर नंबर 1 है। ये कोर्स अभी अभी चालू है, जो खास तौर से जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, ये एक वीडियो में पब्लिक करूंगा सिर्फ। ये October 10, 2020 को शुरू हुआ और ये सिर्फ सैटरडे संडे का ही बैच है। दो दो घंटा होगा, दो घंटा सैटरडे, दो घंटा संडे। टाइमिंग्स इसके इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 6 PM to 8 PM है। जो कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे मैंने नंबर दिया हूँ, 9773038607 ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको इस बैच में ऐड कर दूँ। ठीक है, और भी कुछ रहेगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 यहीं पे स्टॉप करते हैं।